हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह का 6:30 बज रहा है और अभी अभी मैं उठ गई हूँ। तो जुम्मा का दिन है तो मैं सारा काम आज सोच रही हूँ जल्दी निपटा लूँ और फटाफट से मैं सारा काम कर लेती हूँ। तो सब सोया है, बच्चे वगैरह सोए हुए हैं। इसके पापा को उठा के पानी के लिए भेजे हैं कि पानी पीने के लिए लाने के लिए। और ये मैं फटाफट से झाड़ ले रही हूँ क्योंकि ये लोग सोया रहता तो काम कर लेती हूँ मैं अच्छा से शांति से, और जागा रहता तो बदमाशी वगैरह करता है। तो इतना सुबह है तो उन लोग उठाएंगे भी नहीं। तो ये देखिए, ये मेरे साथ है, टाइम पास है मेरा ये। तो बस फटाफट से मैं पूरा कोना का घर झाड़ लूँगी और झाड़ने के बाद मैं जैसे कि आज पूरा सफाई कर लूँगी तो मैं ये काम निपटा लेती हूँ। क्योंकि अभी सफाई वगैरह तो चल ही रहा था तो काम तो पड़ा ही है। और मेरा अभी मैंने कल एक भी वीडियो नहीं छोड़ा इसलिए क्योंकि कल मेरा तबीयत बहुत एकदम मतलब अजीब लग रहा था कि हिम्मत नहीं हुआ कि कुछ शूट कर सकूं और कुछ दिखा सकूं, तो इसलिए मैंने अपलोड कुछ नहीं किया। तो आज अल्लाह करम से मुझे थोड़ा ठीक लगा तो मैं साफ़ सफाई भी कर ली और नहाना धोना भी मेरा सब फटाफट से कर लूँगी मैं। तो ये यहाँ देखे, मैं पूरा यहाँ पर क्लीन कर रही हूँ और सवेरे का टाइम है तो बहुत सा लोग सोया पड़ा है तो मैं जल्दी से कर ले रही हूँ क्योंकि आज जुम्मा है। अगर हो सके तो मैं दरगाह भी जाऊंगी और बस यही सब है। और घर में जो है खाना पकाना वगैरह। और मैं कल सोच रही थी कि मैं कुछ बाबू, तो बहुत सब व्यूअर्स है जो सब्सक्राइबर्स है तो वो कुछ कहते हैं कि घर का ब्लॉग दिखाओ, कोई बोलते हैं आप अपना ब्लॉग में कुकिंग भी डालो। तो यही हम सबका सोच रहे हैं, सबका दिल रखूं और सबका ख्याल करूं, इसके वजह से मैं ये सब बना रही हूं। और आई होप कि आप सबको पसंद आ रहा हो, आप सब मेरे फ्रेंड हैं तो इसलिए आप पर हमें गर्व भी है। ये लोग देखे सोए हुए हैं तो अभी उठाए नहीं, अभी हम चाय पी। तो यहाँ मेरा चाय वगैरह भी हो गया और यहाँ पर मैं फटाफट से सारा बर्तन भी मांज चुकी हूँ। तो बर्तन तो पूरा मंझा गया है तो यहाँ पर मैं ये क्लीन कर लूँगी पूरी अच्छी से। और जैसे कि मेरे वो स्टोरेज पानी में रखती हूँ पकाने का क्योंकि मैं टंकी के पानी से खाना वगैरह नहीं पकाती हूँ। तो मैं यहाँ फिर से दूसरा बार चाय हो गया है मेरा। तो बस बर्तन मांज चुकी थी तो ये भी चाय पी ले रही हूँ, ये बना के गए हैं तो मैं पी ले रही हूँ। चाय पीने से जैसे कि काम में ना और भी मन लगता है। तो एक ही नशा है मेरा जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा चाय का, और ऐसा कोई फालतू नशा नहीं है तो इसे भी मैं नशा ही कहूँगी। तो मेरा चाय का बहुत है तो चाय पी के मैं फटाफट से घर वगैरह पोछ लूँगी। पोछने के बाद मुझे फिर
बरंदा का पूरा आज चूल्हा वगैरह भी मांझना है, क्योंकि चूल्हा तो मांझना है ये। और ऐसे भी जब से मैं सिलेंडर ली हूँ तो वहाँ का थोड़ा साफ नहीं, तो ये यहाँ करने के बाद मैं, क्योंकि इन लोग को भी उठाना है, बरंडा पहले कर लूँ और उसके बाद इन लोग को भी देख लेती हूँ काम, फिर लोग उठा करके बिस्तर वगैरह, फिर लोग का नहाना धोना भी रह जाएगा तो वो सब भी करवाना है। तो ये लोग जो उठता तो एक दूसरे से लड़ने और झगड़ने में टाइम कट जाता है, तो इसलिए मुझे बहुत देख के करना पड़ता है हर चीज़ एकदम, मतलब अकेले करती हूँ। इसके पापा रहते तो थोड़ा हैंडल कर लेते बच्चे वगैरह को, और ये लोग बड़ा हो रहा है पर बदमाशी वैसे वैसे बढ़ रहा है। और जैसे कि मैं आज इतना काम कर रही हूँ तो बहुत सा फ्रेंड्स जो मेरे अपने हैं तो वो खुश होंगे, और बहुत सा हैं जो कि बोलेंगे कि सुबह से उठ के देखो इतना काम करी। पर आई एम मैं सच मुझे जो है कि मुझे बहुत नज़र वगैरह लग जाती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं सही मानों में मैं बहुत माशाल्लाह से फॉरवर्ड हूँ काम में, कि आप मुझे भले घूरने का लाओ मत करो, पर मुझे अगर ढेर सारा में काम आ जाता है ना तो मैं वो काम को सुलझा लेती हूँ। तो काम को मैं बेहतरीन से करना जानती हूँ और अपना फालतू टाइम मैं कहीं वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। तो मैं घर में भी अगर रहती हूँ, अगर कोई काम नहीं भी है तो घर से मतलब खोज करके निकालूंगी काम, पर मैं काम करूँगी और ऐसा कोई बात नहीं है। और इस सब से बहुत से मैं दूसरे को नहीं अपने ही घर पर जाऊंगी, तो ऐसा है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा साफ वगैरह कर ली हूँ, तो यहाँ पर तो मैं अकेले कर रही थी तो मैं मज़े का बज गया था, करीबन 9:30 बज गया था, तो देर हो रही थी और जल्दी जल्दी फटाक फटाक मैंने कर ली काम सारा। तो यहाँ पर पूरा अच्छा से टोकरी से बेसन वगैरह के पास, जैसे कि आपको पता है मेरा किचन छोटा है तो मैं अपना सारा खाना वगैरह यहीं पर करती हूँ, तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर हमें कंफर्टेबल महसूस होता है कि आराम से मैं आराम से ज़मीन पर पीड़ा पर बैठ के अपना पकाती रहती हूँ खाना भी, और सही लगता है मुझे कि बाहर का हवा पानी भी आते रहता है और अच्छा लगता है, इसीलिए मैं यहाँ पर पकाना पसंद करती हूँ, और इसीलिए मैं यहाँ का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखती हूँ साफ़ सफाई का। तो और किचन को तो मैं साफ रखती हूँ। ये तो हो गई अपनी बात, अब मैं आप सबसे अपने फैमिली के तौर पर मैं बात कर रही हूँ आप सबसे, कि अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़, अगर मेरे अपने हैं और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा वीडियो को पूरा का पूरा देखें और मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें, और आगे तक मैं आपके साथ बनी रहूँगी। 2000 years later. अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक हो आप सबको। तो और आप सब कैसे हैं? तो आज मेरा पढ़ाई लिखाई सब मैंने कर ली और सब कुछ मेरा हो चुका है, नहाना धोना पढ़ाई लिखाई, बच्चे लोग भी सब तैयार हो चुके हैं। जैसे कि मैंने दिखाया बहुत सोया हुआ था तो हम सारा काम कर लिए हैं और अब सब रेडी हो चुका है। तो नमाज़ पढ़ने के लिए मेरे बाबू और उसके पापा निकल चुके हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो अगर आज का ब्लॉग आप सबको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। चलिए आज भर के लिए अल्लाह हाफिज़।